हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मुकेश और मैं आज सभी के लिए न्यू ऑटोमोटिव वीडियो लेके आया हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ यामाहा के BS6 वेरिएंट के बाइक के बारे में। जो यामाहा कंपनी है उसने फाइनली इंडिया के अंदर यामाहा की FZ वर्जन 3.0 और FZS वर्जन 3.0 का जो BS6 वेरिएंट है वो इंडिया के अंदर ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताने वाला हूँ कि यामाहा के इन दोनों बाइक्स के अंदर हमें क्या कॉस्मेटिक चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं और इसके अंदर हमें प्राइस में क्या डिफरेंस देखने को मिलने वाला है, इसके इंजन्स में हमें क्या चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं, उन सभी के बारे में आज बात करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, आप भी ये वीडियो एंड तक देखिए ताकि आपको चले कि BSVI, FZS और FZ में हमें क्या नया देखने को मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं बात करने वाला बाइक के प्राइसिंग के बारे में। तो फ्रेंड, यामाहा की FZ वर्जन 3.0 है वो हमें इंडिया के अंदर 99,200 रुपीज़ ex-showroom प्राइस के साथ हमें देखने को मिलेगी और यामाहा की जो FZS जो BS6 वेरिएंट है वो हमें इंडिया के अंदर 101,200 ex-showroom प्राइस के साथ देखने को मिलेगी। अगर मैं कंपेयर करूँ प्रीवियस FZ और अभी की FZ के, अगर मैं प्राइसिंग के बारे में कंपेयर करूँ तो दोनों में हमें 2,520 रुपीज़ का डिफरेंस देखने को मिलता है। मतलब प्रीवियस बाइक से जो न्यू बाइक है वो हमें 2,520 रुपीज़ कॉस्टली देखने को मिलती है दोनों वर्जन। और फिर जब मैं बात करने वाला हूँ यामाहा की FZS वर्जन 3.0 में हमें दो न्यू कलर ऑप्शन भी देखने को मिलने वाले हैं, जिसके अंदर जो फर्स्ट कलर है वो हमें डार्कनाइट कलर ऑप्शन और जो सेकंड कलर ऑप्शन है वो हमें मेटालिक रेड कलर ऑप्शन, ये दो कलर ऑप्शन हमें इस बाइक के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। और फिर जो यामाहा की जो दोनों बाइक है उसके अंदर हमें कॉस्मेटिक चेंजेस और अपडेट्स तो देखने को नहीं मिलते हैं और दोनों के इंजन में हमें कुछ मैक्सिमम पावर और कुछ टॉर्क है वो हमें थोड़ा कम देखने को मिलता है BS6 वेरिएंट के अंदर। तो फ्रेंड, जब मैं बात करने वाला यामाहा FZ और FZS के इंजन के बारे में, तो फ्रेंड इसके अंदर हमें यामाहा का 149cc सिंगल सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है जो हमें 12.4 BHP के पावर से लेकर 7250 RPM हमें इसके अंदर देखने को मिलता है। और अगर मैं कंपेयर करूँ प्रीवियस वर्जन में, तो फ्रेंड प्रीवियस वर्जन के जो इंजन है उसके अंदर हमें 13.2 BHP से लेकर 8000 RPM हमें प्रीवियस बाइक में देखने को मिलता था, मतलब जो नया इंजन है उसके अंदर हमें थोड़ा कम पावर देखने को मिलता है। और फ्रेंड इसके अंदर हमें 13.6 NM का टॉर्क से लेकर 5500 इसके अंदर हमें टॉर्क देखने को मिलता है। और अगर मैं प्रीवियस इंजन के बारे में बात करूँ तो फिर प्रीवियस इंजन में हमें 12.8 NM के टॉर्क से लेकर 6000 RPM हमें प्रीवियस वर्जन के इंजन में देखने को मिलता था, मतलब जो टॉर्क है उसमें इतना ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। और फ्रेंड, जब मैं बात करने वाला दोनों बाइक्स के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो फ्रेंड जो हमें यामाहा की जो FZ और FZS वेरिएंट है दोनों के अंदर हमें सेम फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड इसके अंदर हमें फ्रंट और रियर में डिस्क ब्रेक ऑप्शन के साथ सिंगल चैनल ABS भी हमें इसके अंदर देखने को मिलता है। और फ्रेंड इसके अंदर हमें इतने ही चेंजेस देखने को मिलते हैं BS6 वेरिएंट के अंदर जो मैंने आपको बताया। फ्रेंड इसके अंदर ओनली हमें इंजन में ही ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं। और फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। और भी अगर आपको ऐसे न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोस या फिर ऑटो न्यूज़ के बारे में जानना हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूले, ताकि हमारे चैनल की हर आने वाले लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको जल्द से जल्द मिले। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।